डियर कुणाल वर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस. We are pleased to issue an acknowledgement letter for the position of security guard on the contract of fixed 1 year, which may end or renew also for another 1 year. As per your performance during this period, salary 11,500 rupees per month. भाभी, भैया की तो निकल पड़ी. अरे क्या निकल पड़ी, आधी सैलरी तो इनकी किराए के मकान में ही निकल जाएगी. कितनी बार कहा है इनसे, कोई ढंग का सस्ता मकान ढूंढो. अरे 4,000 किराया है यहाँ का. अब अगर मान लो हम शहर के बाहर कहीं रेंट लेकर रह भी रहे हैं तो ये रोज़ का बस का ऑटो का भाड़ा तो लगेगा ही. अब यहाँ रहने क्या फ़ायदा है, दफ्तर यहाँ से 6 किलोमीटर पे, ऊपर से हार्दिक का स्कूल, वो भी तो घर में पहली नौकरी लगी है. मुंह मीठा करिए. ए टुन्नी, ये नमकीन बिस्किट से कौन मुंह मीठा कराता है. अभी यही मिले तो ले आया. जा जा किचन में जा, लिंटर पर एक बड़ा वाला कप रखा है, उसमें से 5 रुपये निकाल ले, पार्ले जी बिस्किट लेके आ. भाभी पार्ले जी नहीं, क्रीम बिस्किट लाऊंगा. खुशी बेटा थोड़ा जल्दी करो, तुमको आज ट्यूशन छोड़ देंगे, मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है. मम्मा इतनी देर पहले जाके क्या करेंगे. तो क्या हो गया बेटा, एक ही दिन की तो बात है, वही बैठकर पढ़ लेना. चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ. टिफिन रख लिया टुन्नी? हाँ भैया रख लिया. चलो, लेकिन उस टिफिन से तुम्हारे शरीर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. भाभी भैया को देख लीजिए. अरे क्या लड़ते रहते हो तुम दोनों लोग सुबह सुबह. ओहो आज तो हवाओं ने भी अपना रुख बदल लिया होगा चांद को जमीन पे देख के. पहला दिन है नौकरी का, आज ही ऑफिस लेट पहुंच के सस्पेंड मत हो जाना. यार तुम चाय दो, सुबह सुबह बस तुमको अशुभ बोलना है. पंखुड़ी मेरी कैप कहाँ है? कैप अंदर रखी है शायद. कहाँ जाना है बेटा? अंकल आप यहाँ नए हैं? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खुशी है. तुम खाओ बेटा. अरे इधर बैठो बेटा. पता है अंकल, पहले जो यहाँ पे अंकल थे वो बहुत अच्छे थे. नहीं नहीं नहीं, वो जमीन नहीं बेचनी है. हाँ ठीक है ठीक है. खुशी कितनी बार तुमसे कहा है ऐसे लोगों से बात नहीं करनी होती. गुड इवनिंग मैडम. क्या नाम है तुम्हारा? मैडम कुणाल. आपकी बेटी है मैडम. अब दूसरे के बच्चे को तो डांटेंगे नहीं. आपकी बेटी है, चलो. टुन्नी. हाँ भैया. तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स कब खत्म होंगे? 2 अप्रैल को भैया. तुम दोनों फटाफट हाथ धो लो, खाना निकाल रहे हैं. हाँ भाभी बहुत तेज भूख लगी है. पंखुड़ी इसको चावल मत देना, खा खा के मोटा हो गया है. भाभी मेरे लिए खाना मत निकालिएगा, मुझे भूख नहीं लगी है. अरे क्या उसको खाने के टाइम चिढ़ाते रहते हो. हाँ यादव जी,
ये नए वाले सिक्योरिटी गार्ड को जरा टाइट कीजिए, दिन भर कॉपी किताब लिए बैठा रहता है। ठीक। खुशी बेटा यहाँ आना जरा। क्या कर रही थी? होमवर्क कर रही थी। बेटा अमीर बच्चों से दोस्ती किया करो, ये सिक्योरिटी गार्ड से बातें करने का क्या लॉजिक था? मम्मा गजनी मुंह में तो संजय सिंघानिया हमसे ज्यादा अमीर होता है और कल्पना उससे गरीब होती है, फिर भी उससे शादी करता है, वो तो अमीर गरीब में फर्क नहीं करता है। बेटा वो मूवी है, हम लोगों को हकीकत में अपनी जिंदगी जीना है। अब देखो इसकी ज्वाइनिंग में कितने साल जाते हैं कोर्ट में। अरे भाई महीने के लास्ट में अठन्नी टक नहीं बचती है, और 10-11 हजार में क्या होता है यार। कुणाल टुन्नी को जगाओ और दोनों लोग चाय पियो। तो यार हमको देर हो रही है, ऑफिस के लिए निकलना है। मम्मा आज आप ऑफिस जाएंगे क्या? नहीं बेटा आज थोड़ा काम है तो आज ऑफिस नहीं जाएंगे। मम्मा आज लंच के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। ठीक है देखते हैं, आ जाएंगे। तुम स्कूल नहीं गई अभी तक? हाँ वो अंकल बोले थे आज 10 मिनट शायद लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अम्मा साहब आपसे अच्छा कौन बता सकता है, आप ठहरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बस अब ये समझ लीजिए मुझे BCA करना है, वो भी बेस्ट कॉलेज से। यार पंखुड़ी टीचिंग की ज्वाइनिंग पे रोक लग गई है, अब देखो कोर्ट कब आदेश दे। तो अब क्या होगा, इधर तो बहुत खर्चे आने वाले हैं, टुन्नी भी नए स्कूल में एडमिशन लेगा तो इधर तो काफी पैसा लग जाएगा। ये जो कान में पहनी हो ये सोने के हैं? नहीं ये मेरी मम्मी ने दिए थे, कहीं आते जाते हैं तो पहन लेते हैं। यार प्लीज ये मुझे दे दो, हम इन्हें गिरवी रख के टुन्नी का एडमिशन करवा सकते हैं। तुमको तो पता है कि हायर एजुकेशन कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है, और फिर जब नौकरी लगेगी तो पैसे देके छुड़वा लिया जाएगा। ये तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की। कब ले जाने हैं? यार पंखुड़ी अगर सबकी वाइफ तुम्हारी जितनी सपोर्टिव हो तो जिंदगी जीना कितना आसान हो जाए। अच्छा ठीक है अब ऑफिस जाओ, मक्खन मत लगाओ वरना देर हो जाएगी तो आज मैडम सर फिर से डांटेंगी। चलो ठीक है बाय। बाय। हेलो आशंत भैया, वो आपने MBA कहाँ से किया था? क्या हुआ टुन्नी? कुछ नहीं भाभी। और क्या चल रहा भाई? अब हाल चाल बाद में पूछना, पहले चाय पानी कर लो वरना हाथ पांव भी धोना भूल जाते हो। क्या तुम टाइम फोन कर देती यार, बारहवीं पास किया नहीं कि तुम अभी से शादी शादी चलाने लगी? इधर आ जरा। भैया वो
स्कूल की दोस्त थी। बारी पास किए नहीं की लड़की बाजी शुरू। तुमको मौका मिला है ना मेहनत करने का, और तुम यहां लड़की के चक्कर में अपना वक्त गंवा रहे हो। गरीब घर में पैदा हुए इसका यह मतलब नहीं कि गरीब मरना भी है तुमको। जिंदगी में कुछ करके मरोगे तो किसी गरीब बच्चे का मोटिवेशन बनोगे, और अगर गरीब ही मर गए ना तो ऊपर वाला भी तुम्हें इंसान का जन्म देने पर एक बार पछतावा तो जरूर महसूस करेगा। अमीर बनने के लिए हमेशा एक बात याद रखना कि सफलता वो घमंडी औरत है जो किसी गरीब को अपने कंधे पर हाथ नहीं रखने देती। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भैया। तुम्हारी भाभी कह रही थी कि तुम परेशान हो, क्या बात है? लड़की बाजी के चक्कर है कोई और? भैया यूनिवर्सिटी फीस इतनी ज़्यादा कि समझ नहीं आ रहा बीसीए कहाँ से करूँ। मौसा जी कह रहे हैं यहाँ से करो, चाची कह रही वहाँ से करो, कुछ समझ नहीं आ रहा बीसीए कहाँ से करना है। लैपटॉप दिए ना तुमको लाके? हाँ भैया। इंटरनेट है तुम्हारे पास? हाँ भैया। तो हर छोटी छोटी चीज़ के फैसले अगर तुम मुझसे पूछ के लोगे तो जिंदगी में बड़े फैसले कैसे लोगे? जाओ जाके खुद ढूंढो। जी भैया। सुमित जी, इन डॉक्यूमेंट्स पे रजिस्ट्रार के साइन क्यों नहीं हुए अभी तक? कीमत तो आपको मुंह मांगी मिली थी, जल्दी से इनको सेटल करवाइए। मम्मा। हाँ बेटा। डैड कब आएंगे? बेटा डैड कहाँ आ पाएंगे अभी यूएस से, हम लोग चलेंगे अगले साल। ठीक है, एक दो दिन के लिए भी नहीं आ सकते? बेटा बिजनेस सेटल करने में वक्त लगता है, अभी सब नया नया है ना, बस कुछ टाइम की बात है। यार भैया के पास तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अब रेगुलर ग्रेजुएशन करके उनका पैसा तो नहीं वेस्ट कर सकता, लेकिन क्या करूं। कॉलेज विद्या, यार क्या सही वेबसाइट मिली मुझे, इसमें तो कई कॉलेजेस मिल जाएंगे मुझे, लेकिन कौन सा कॉलेज बेस्ट है ये कैसे पता चलेगा यार। इसमें तो हम ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर भी कर सकते हैं, और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। और क्या क्या है इसमें? अच्छा, इसमें एआई फीचर भी है, मतलब एक्सपर्ट के थ्रू ऑडियो वीडियो फॉर्म में काउंसलिंग हो सकती है। भैया सॉल्यूशन मिल गया। कॉलेज विद्या वेबसाइट भैया, यहाँ पर कई ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं जिनको हम आपस में कंपेयर करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। भैया यहाँ पर टॉप 50 अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है जो कि बजट फी और स्टूडेंट रेटिंग के बिहाफ पर दिए गए हैं। चलो तुम्हारी टेंशन तो दूर हुई, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहे डिस्टेंस एजुकेशन हो या कोई भी, मेहनत से पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगी। भैया लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन, बाद में जॉब मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अबे किस जमाने में जी रहे हो तुम, सोसाइटी की बातें सुनना बंद करो और अपने सपनों पे काम करो, समझे? जी भैया। डिस्टेंस एजुकेशन हो या फिर रेगुलर हो, दोनों की डिग्री इक्विवेलेंट मानी जाती है जॉब के लिए। जी भैया। बस इतना याद रखना कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है भैया। कुणाल, गुड इवनिंग मैम। तुम यहाँ बैठकर या तो सोते हो या पढ़ते रहते हो, बाहर क्या हो रहा है तुमको कुछ खबर भी रहती है? सॉरी मैडम, वो कल। चुप, एकदम चुप। कॉपी किताब पैक करो और निकलो यहाँ से, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। मैम मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने कहा निकलो यहाँ से। तुम्हारे जो एक्स्ट्रा डे हुए हैं उसके पैसे तुम्हारे अकाउंट में मिल जाएंगे। मुझे वफादार गार्ड चाहिए जो जिंदगी भर यहाँ काम करे। कॉपी किताब पैक करो,
निकलो यहाँ से। समझ नहीं आ रहा है? कॉपी किताब उठाओ, निकलो यहाँ से। यादव जी, मैंने लड़के को सिक्योरिटी गार्ड के पद से हटा दिया है। गेट पर बैठकर ड्यूटी कम मक्कारी ज्यादा करता था साला। हाँ ठीक है, ठीक। क्या हो कुणाल? पंखुड़ी, रुकावटें ही नए रास्ते को जन्म देती हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भैया, मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब देख लूं। तुम क्यों उठाओगे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? पापा मुझे सौंप के गए हैं ना। तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अभी हम जिंदा हैं। भैया आप अकेले क्या क्या करेंगे? टीचिंग की वैकेंसी भी कोर्ट में अटकी पड़ी है। साल दो साल तो लग ही जाएगा क्लियर होने में। तो बेटा, मैं केवल टीचिंग के सहारे थोड़ी बैठा हूँ, और भी एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ ना। देखो तुम दोनों परेशान मत हो, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। खुशी बेटा, जल्दी से कॉपी किताबें रख के बैग पैक कर लो और तैयार हो जाओ, 3:30 बजे की फ्लाइट है। अब कौन आ गया? यह पूरी कॉलोनी आपकी है? यह जमीन सरकार के अधीन है जिस पे आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रही हैं। सॉरी, यह जमीन मेरे हस्बैंड ने पैसे देकर खरीदी है। अपने हस्बैंड बुलाइए, कहाँ है आपके हस्बैंड? वो तो यहाँ नहीं रहते, वो तो US में रहते हैं। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आई हूँ, मेरे नक्शे और दस्तावेज में नंबर सरकारी है। आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते बाद आपकी पूरी कॉलोनी गिरा दी जाएगी। इतना कम टाइम? आना जी, इससे पहले भी आपको नोटिस दी जा चुकी है जिसका आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मुझे आज यहाँ सर के साथ आना पड़ा। कौन सर?
सर प्लीज कुछ दिन का वक्त और दे दीजिए। आपके पास वक्त तो केवल 3 दिन का ही था, लेकिन आपके यहाँ पहली नौकरी से हटाए जाने पर एक सीख मिली थी मुझे, इसीलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा सा वक्त बढ़ा के दे रहा हूँ। सर प्लीज जस्ट अ मिनट। इस पूरी जमीन को यहाँ से आप पूरा का पूरा जो है क्लोज करवाइएगा, ठीक है ना? और नहीं होती तो फिर घर गिरवाइए। जी सर। जी सर। कोई ऑप्शन हो सकता है जिससे ये पूरी कॉलोनी बचाई जा सके? सर प्लीज। रश्मिका। सर एक ऑप्शन तो है, आप इस जमीन के क्षेत्रफल के बराबर दूसरी जमीन अपने नाम पे खरीदिए। इसके बाद सर आपकी जमीन और सरकारी जमीन को इंटरचेंज कर सकते हैं। आना जी, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। लिस्ट में अगला कौन है? थैंक यू सर। शायद अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सीख को आप फ्यूचर में जरूर अप्लाई कीजिएगा। परिश्रम कर गरीबी से अमीरी तक का सफर जरूर तय करना, लेकिन क्रूरता के आगे मत झुकना, और इंसानियत रख, खुद को इंसान बनाए रहना, खुद को इंसान बनाए रहना।